हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो आज हम लोग जानेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन सिविल इंजीनियरिंग। तो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो ऑन द टॉपिक ओवरव्यू टू द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जानेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट है इसका, क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ना होता है इस सब्जेक्ट के अंदर। देन नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि इस पूरे सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस। मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करा है यहाँ पर। देन उसके बाद मैंने क्या किया है कि हर चैप्टर का एक ओवरव्यू बताया आपको कि हर एक चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, एक कंपैरेटिवली क्या इंपॉर्टेंस है उसका ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग्स, ताकि आप इजिली वहाँ पर आप डिसाइड कर पाएँ कि किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, और क्या उसके की कॉन्सेप्ट जो पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट है आपको, वो जानना यहाँ पर ज़रूरी है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द सिलेबस। तो सिलेबस में आपको क्या क्या चैप्टर्स यहाँ कवर करने हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, क्या क्या चैप्टर्स कवर करना इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं आज। तो पहला है वाटर डिमांड सोर्स एंड कन्वेयंस। सेकेंड चैप्टर है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। थर्ड चैप्टर है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। देन फोर्थ चैप्टर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिफ्थ चैप्टर है वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिक्स चैप्टर है बायोकेमिकल रिएक्शंस इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। सेवन चैप्टर है डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट। एट चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम। नाइन्थ चैप्टर है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। टेंथ चैप्टर हो जाएगा हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देन इलेवेंथ चैप्टर है हमारा एयर पॉल्यूशन, और ट्वेल्थ चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है डैट इज नॉइज पॉल्यूशन। तो ये 12 चैप्टर्स हमें पढ़ना होगा इस सब्जेक्ट के अंदर, जो कि जिससे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो कुछ एग्जाम्स में क्या इस चैप्टर का क्या वेट, इस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा है वो देखते हैं हम लोग पहले। तो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस जानते हैं। तो अराउंड 10-15 मार्क्स के क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से गेट में पूछे जाते हैं। ऑन एवरेज आप पास्ट के डेटाज अगर देखें तो अराउंड 10-15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और जो कि अराउंड 10-15% ऑफ टोटल मार्क्स है, बिकॉज गेट 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये गेट का हो गया। अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो अराउंड 12 मार्क्स के क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं इन गेट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 15-20 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर एसी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जो कि अराउंड 5-7% ऑफ टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स दैट इज 300 मार्क्स। लास्ट 5 ईयर्स का अगर डेटा हम लोग देखें तो अराउंड 16 मार्क्स के क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं। देन अगर ईएससी मेंस की बात करें तो 40-50 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछे जाते हैं, और अगर हम लोग 5 ईयर्स की बात करें तो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे जा रहे हैं, विच इज़ अराउंड 9-10% ऑफ टोटल मार्क्स। 9-10% दैट इज ऑफ 600 मार्क्स जो मेंस के पेपर होते हैं उसके अराउंड 9-10% होते हैं ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस। क्लियर है? तो आप यहाँ से इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं एनी ऑफ द एग्जाम्स, तो ये सब्जेक्ट आप मिस नहीं कर सकते। कितना इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, क्योंकि इस सब्जेक्ट से काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के ज़्यादा स्कोप होते हैं। कन्वेंशनल पेपर्स में कुछ न्यूमेरिकल के पेपर्स क्वेश्चंस भी आते हैं, बट बाकी सारे एग्जाम्स लाइक गेट हो गए, ईएससी प्रीलिम्स हो गए, इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव के और इजी क्वेश्चंस, वो ज़्यादा टफ भी नहीं होते। अगर आप पढ़ा है आपने पहले इससे, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो आप बहुत ईजिली इसको टेकअप कर सकते हैं इन टाइप्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, हर चैप्टर का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको चैप्टर्स, उसके एक इंपॉर्टेंस एनालिसिस करेंगे और उसको रेटिंग दिया जाएगा ऑन स्केल ऑफ 1 to 5 कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। 1 रेटिंग दैट मींस वेरी लेस इंपॉर्टेंट, और 5 रेटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए पहला चैप्टर दैट इज वाटर डिमांड सोर्स एंड कन्वेयंस, इसकी रेटिंग मैंने दी है 2। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट समटाइम्स इसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, और सब्जेक्टिव में क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं इसमें। समटाइम्स अगर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कन्वेंशनल में, तो उसमें आपको जो पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो उससे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। कभी कभी गेट में छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स इस पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग से आते हैं। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग के, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब की टॉपिक्स क्या इसमें कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, वो जानते हैं। तो की कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, जिसमें कई सारे मेथड्स बताए जाएंगे। सेकेंड है आपका टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज़ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, कौन कौन से सोर्सेज पे हम लोग रिलाई करते हैं।
एंड द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड वाल्व्स, ये सारा कवर किया जाएगा सब्जेक्ट के अंदर. ओके, देन कमिंग टुवर्ड्स अ सेकेंड चैप्टर जो कि हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, इसको मैंने रेटिंग दे रखी है 3. ओके, देन क्या इसमें पढ़ना है, तो वेरियस क्वालिटी पैरामीटर्स लाइक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, ये सारा इसमें डिस्कस किया जाएगा. और ये चैप्टर जो है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कभी कभी कन्वेंशनल पेपर्स में आपको दिख जाएंगे इसके, ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, अब इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या पढ़ने हैं वो देखते हैं. तो टर्बिडिटी एंड इट्स मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सेकेंड क्या है, अल्कैलिनिटी, क्लियर है. थर्ड है हमारा हार्डनेस, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर. और जो लास्ट है हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट्स, तो हर एक पैरामीटर्स का एक्सेप्टेबल लिमिट्स जानना, उसको कैसे यूज़ किया जाता है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्लियर है. तो फुल इसमें क्लियर हुआ होगा आपको क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का. नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, डैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, इसको मैंने रेटिंग दी है 4. तो आपको दिख रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस 2 चैप्टर्स मैंने बताई. क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन जनरल, तो ट्रीटमेंट मेथड्स जो भी अडॉप्ट करते हैं फॉर ट्रीटिंग वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, तो वो सारा मेथडोलॉजीज क्या क्या हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं वो सारा इसमें डिस्कस किया जाएगा. ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इससे ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशनल पेपर्स में भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है. हाई प्रोबेबिलिटी फॉर न्यूमेरिकल्स एंड डिज़ाइन प्रॉब्लम्स, जो भी यूनिट्स हैं उसके डिज़ाइन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है. इसलिए इसकी रेटिंग थोड़ी ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है. अब क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स हमें जानने होते हैं इस चैप्टर के अंदर वो जानते हैं. तो की कॉन्सेप्ट्स है हमारा थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन, एक थ्योरी है इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है. देन डिज़ाइन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन यूनिट्स, तो ये दो यूनिट्स के बारे में डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंट होते हैं इससे. देन थर्ड इज कोगुलेशन, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसके. देन बैक वॉशिंग ऑफ RSF दैट इज रैपिड सैंड फिल्टर, इसमें बैक वॉशिंग किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है वो जानना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर. द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग, जब हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग की जाती है तो क्या क्या मेथड्स है उसको जानना भी जरूरी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है. अदरवाइज इस चैप्टर में भी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट जो बहुत ही ज़्यादा की कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बताया है. रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट भी सारे डिस्कस किए जाएंगे आपके चैप्टर्स के अंदर जब आप पढ़ेंगे लेसन्स उसके, क्लियर है. नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, डैट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी रेटिंग मैंने दी है 2. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है बट समटाइम्स क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे भी, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं. तो मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा गया है इसमें, क्या किस तरह से हम लोग वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, कैसे सिटीज़ में कैसे इंडस्ट्रीज के पास पहुंचाया जाता है वाटर, ये जानना ज़रूरी है. तो वो सब यहाँ पर डिस्कस करा गया है. जो भी नेटवर्क होगा पाइप का उसकी एनालिसिस करना और रिजर्वायर कैपेसिटी की एस्टिमेशन करना, ये सारा कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करा जाएगा. इस चैप्टर में जो नेटवर्क एनालिसिस है उससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कभी कभी, और रिजर्वायर कैपेसिटी को कैलकुलेट करना भी पूछा जाता है. तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं. फर्दर ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या ज़रूरी है पढ़ना, तो लेआउट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियस लेआउट्स होते हैं उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है. देन वन ऑफ द मेथड्स दैट इज हार्डी क्रॉस मेथड फॉर द एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क्स, ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर, क्लियर है. यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो है वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स. वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा स्टार्ट होगा, उसमें रेटिंग है 3, ठीक है. इसकी रेटिंग मैंने 3 दे रखी है, दैट इज़ इंपॉर्टेंस जो है 3rd रेटिंग की है. इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे वो जानते हैं. तो वेरियस फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर इसमें डिस्कस किया जाएगा, कि जब हम लोग वेस्ट वाटर के बारे में क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फिजिकल है केमिकल है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे. और इस चैप्टर से क्या है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं और सम ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बट शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो कभी कभी पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ लेसन्स में डिस्कस किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं. फ्यू न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो आज इन कन्वेंशनल पेपर, कभी कभी आते हैं न्यूमेरिकल्स भी कन्वेंशनल पेपर्स में. किस टाइप के आते हैं वो, की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो भी देखते हैं. तो की कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास होगा रिएक्शन काइनेटिक्स, वो काइनेटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं. देन द BOD कैलकुलेशंस, इससे क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंट है गेट में भी और ये सी प्रिलिम्स में भी.
देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ देखते हैं, दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शंस इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। इसकी रेटिंग मैंने दी है 2। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इससे क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं, बट क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के वक्त जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। सम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं लाइक नेचुरल साइकिल्स हैं कई सारे, उसमें बताए जाएंगे आपको, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार। मोस्टली इसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं इस चैप्टर में, तो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस इसमें बताया जाए आपको जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देन द एंडोजिनस रेस्पिरेशन, इसका कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा आपको। एंड द थर्ड इज एरोबिक एंड एनारोबिक साइकिल्स, इसके बारे में भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट। अब डिस्पोजल ऑफ जो सीवेज एफ्लुएंट है उसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसकी रेटिंग मैंने दी है 3। ओके, अब क्या पढ़ना है वो जानते हैं। तो वेरियस मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल्स इसमें डिस्कस किया जाएगा कि कैसे डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करेंगे, लाइक कहाँ पर डिस्पोज किया जाएगा, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ये है कि इससे कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ कन्वेंशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत रेयर है, बट अन्यूमेरिकल फ्रॉम ऑक्सीजन डेफिसिट लेकिन फ्रीक्वेंट है। ऑक्सीजन डेफिसिट जो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में, उससे क्वेश्चंस कन्वेंशन में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं इन सब्जेक्टिव जो कन्वेंशनल के पेपर्स होते हैं किसी भी एग्जाम्स के हो जाए, तो वहाँ पर आपको इससे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में क्या क्या की कॉन्सेप्ट है वो भी जान लेते हैं हम लोग। तो की कॉन्सेप्ट जो पढ़ना ज़रूरी है उसमें कुछ है, सेल्फ प्योरीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द ऑक्सीजन सैक कर्व ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज जोन ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर, ठीक है, इससे भी काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कन्वेंशनल पेपर्स में भी आते हैं। और जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अलावा भी जो माइनर कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट्स के भी कॉन्सेप्ट्स हैं बट क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे भी डिस्कस किए जाएंगे लेसन्स पे, बट इन कॉन्सेप्ट पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है आपको अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ देखते हैं, दैट इज डिज़ाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम। अब जो सीवेज ट्रांसफर के लिए जो भी सिस्टम डिज़ाइन होगा उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा हमें। इसकी रेटिंग मैंने दे रखी है 3, ठीक है, थर्ड रेटिंग की है ये। इसकी क्या ओवरव्यू वो जानते हैं। दिस चैप्टर डील्स विद द लेइंग ऑफ सीवर सिस्टम, सीवर सिस्टम को कैसे ले करना है, क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में यहाँ पढ़ा जाएगा, और उसकी डिज़ाइन की जाएगी, डैट इज सीवर के क्रॉस सेक्शन जो होंगे उसको डिज़ाइन किए जाएंगे, ठीक है। वेरियस अपर्टेनेंसेस जो होते हैं सीवर पाइप्स के, जो सीवर जो नेटवर्क होते हैं उसमें कई सारे अपर्टेनेंसेस, उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में एक डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा इस चैप्टर में। ओके, अब इस चैप्टर से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी आते हैं क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जैसा मैंने बताया कि आपको क्रॉस सेक्शन के बारे में स्टडी करना होगा तो उस क्रॉस सेक्शन के डिज़ाइन के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, वो कन्वेंशनल पेपर्स में भी आते हैं, गेट और ESE प्रीलिम्स में भी छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इस चैप्टर के वो देखते हैं। तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द सेकंड इज एग शेप सीवर, एग शेप सीवर का क्या यूज़ है, कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं वो जानना ज़रूरी होगा यहाँ पर। थर्ड इज वेंटिलेशन ऑफ सीवर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे किया जाता है, ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसकी रेटिंग मैंने दी है 5। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा इस चैप्टर के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। क्लियर है? क्या पढ़ना है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया जैसा आपको, और इसमें जो भी ट्रीटमेंट मेथड्स यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर वो सारा यहाँ पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ओके, और सारा ट्रीटमेंट यूनिट्स का डिटेल्स, उनके डिज़ाइन स्टेप्स क्या इंपॉर्टेंस है, उनके सारे पैरामीटर्स, सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में, तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखेंगे इस चैप्टर के ऊपर। इस चैप्टर से ऐसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव में भी और जो कन्वेंशनल पेपर है दोनों में सब्जेक्टिव एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, गेट में भी इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर है? इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी गेट में पूछे जाते हैं। की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, तो डिज़ाइन ऑफ ऑल द यूनिट्स, जो जो भी यूनिट्स कवर किए जाएंगे इसमें काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं, हर का डिज़ाइन स्टेप्स, डिज़ाइन पैरामीटर्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ सेटलिंग, वो जानना इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड इज वर्किंग ऑफ ESP, डेट इज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ये जानना इंपॉर्टेंट होगा। देन सस्पेंडेड एंड अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, इसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन टॉपिक्स के अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारा कुछ मैंने यहाँ नहीं बताया, जो इसमें बहुत ज़्यादा की कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आज मैंने यहाँ पर डिस्कस कराया है, ठीक है। बाकी के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको लेसन्स पर मिल जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, डैट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसकी रेटिंग मैंने दी है 3, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो जानते हैं, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का क्या टाइप्स है वो जानना जरूरी होगा, उनके क्या डिस्पोजल मेथड्स हैं वो जानना इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। अब इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में भी और कन्वेंशनल पेपर में भी। तो दोनों में, कन्वेंशनल पेपर में भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपको, और ऑब्जेक्टिव पेपर में भी कुछ शॉर्ट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल के बहुत ही रेयर चांसेस है, इसमें स्कोप बहुत ही कम है न्यूमेरिकल का, क्लियर है। अब क्या इसमें की कॉन्सेप्ट्स है वो देख लेते हैं। तो पहले आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट के कई क्लासिफिकेशन है वो जानना जरूरी है। देन नेक्स्ट है आपका लैंड फिलिंग मेथड्स, आपको लैंड फिलिंग के मेथड्स बताए जाएंगे इसमें कि क्या क्या मेथड्स को यूज़ किया जाता है फॉर दिस प्रोसेस ऑफ लैंड फिलिंग। देन थर्ड होगा आपका इंदौर एंड बैंगलोर मेथड, ये दो मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही फ्रिक्वेंटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर कन्वेंशनल पेपर्स में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डैट इज़ इंसिनरेशन, इस प्रोसेस को भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ये सारे हो गए की कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर, डैट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, क्लियर है होपफुली। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। इसकी रेटिंग है 3। अब एयर पॉल्यूशन में क्या पढ़ना है, क्या ओवरव्यू है इसके बारे में बताते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स जो भी प्रिवेल करते हैं इन द एनवायरनमेंट, उसके बारे में पढ़ना होगा, उनके टाइप्स, दैट इज़ नेचुरल हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। कैसे, क्या मेथड्स हम लोग लेते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है इन पॉल्यूटेंट्स को, वो जानना जरूरी है, और इन पॉल्यूटेंट्स का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन द ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा, क्लियर है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस देखें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स का स्कोप थोड़े कम है इससे, और कन्वेंशनल में भी और ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्या पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी लाइटली नहीं लेना है, इस चैप्टर को भी अच्छे से कवर करना है। अब क्या है इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या है वो देखा जाता है। तो की कॉन्सेप्ट्स में पहले आपको एरोसोल्स के बारे में जानना होगा, नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, इनके इंपॉर्टेंस जानने पड़ेंगे, क्या होते हैं ये जानना पड़ेगा। देन थर्ड है आपका वेरियस कंट्रोल डिवाइसेस, इन पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कंट्रोल डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, ये जानना होगा आपको इसमें। एंड उसके बाद आपका लैप्स रेट एंड प्लूम बिहेवियर, ये सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, अदरवाइज इसके अलावा और भी जो माइनर टॉपिक्स है वो सारा कुछ भी डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, बट ये थोड़े की कॉन्सेप्ट, दैट इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्लियर है। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नॉइस पॉल्यूशन, दिस इज आवर लास्ट चैप्टर। इसकी रेटिंग मैंने 1 दी है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट आप इसको थोड़ा सा मतलब फोकस कर सकते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, अगर आपके पास आते हैं एग्जाम्स में, तो आप उसको ताकि इजीली सॉल्व कर पाएँ। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, तो क्या पढ़ा जाएगा इसमें ये जानते हैं पहले। तो इसमें पहले इम्पैक्ट, वो साउंड जो भी नॉइज़ है हमारा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द एनवायरनमेंट, और कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं कि साउंड का क्या मेजरमेंट है, कितना इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, ये सारा मेजरमेंट्स इसमें पढ़ा जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस मैंने बताया ज़्यादा नहीं है, बट शॉर्ट न्यूमेरिकल्स गेट में और ईएससी प्रीलिम्स में या अदर ऑब्जेक्टिव पेपर्स में छोटे मोटे न्यूमेरिकल टाइप्स पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, क्लियर है। अब इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे इस चैप्टर में, लेवल ऑफ नॉइस पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा, साउंड प्रेशर लेवल पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा, थर्ड इज़ एवरेज साउंड प्रेशर लेवल कैलकुलेट करना, एंड द फोर्थ इज़ एलएन एंड एन एल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स है, इस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा रखेंगे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते वक्त, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका आज का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में ओवरव्यू, आपको पता चल गया क्या इंपॉर्टेंस है इसका वेरियस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंपैरेटिव स्टडी पता चल गया आपको कि वेरियस चैप्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वो आपस में, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इस चैप्टर को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और किस तरह से आपको एक शेड्यूल बनाना है कि किसको मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और किसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए, सो थैंक यू फॉर टुडे।